हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी लीलाधर पर, जहां मैं मिलवाता हूं आपको अपनों से। आज बुधवार के दिन यानी 26 मई को भगवान बुद्ध का जन्म, बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बैशाख पूर्णिमा और पीपल पूनम को उनका जन्म का उनको जन्म निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई। भगवान बुद्ध के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जैसे पौधारोपण करेंगे, पक्षियों के लिए परांडे बनाएंगे। इन सब का आप अवलोकन इस वीडियो में कर सकते हो। हमारे बगीचे में विभिन्न प्रकार के पक्षी और बटरफ्लाइज और विभिन्न प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है, जिनका धीरे धीरे अवलोकन हम एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे और उनके द्वारा आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। यह एक फ़ोटो हमारे बगीचे का है जो आप देख सकते हो। ये शानदार छोटा सा वीडियो क्लिप भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप इसका भी अवलोकन करें। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे हमने लगा रखे हैं, जिनका धीरे धीरे आप एक एक करके अलग अलग वीडियो में विश्लेषण करेंगे। यह एक तुम्बी है जिसका प्रयोग हम पानी के परांडे बनाने के लिए करेंगे। इसकी सब्जी बिल्कुल लौकी की तरह लगती है। इसके सूखने के बाद इसके हम परांडे बनाएंगे। हम बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बरगद और आम का पौधा लगाएंगे। यह पौधे लगभग एक साल पुराने हैं। इनको हमने इसमें पीपे में और प्लास्टिक की कैन में लगा रखा है। चलो लगाते हैं। पौधे को लगाने के लिए अपन ने ये जगह सेलेक्ट कर ली है। ये बिल्कुल कॉर्नर है, ये नाली से लगभग 10 फीट दूर है। और अब हम इसको गड्ढा करते हैं और फिर लगाएंगे, ठीक है। पौधा लगाने के लिए अपना गड्ढा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये बरगद का पौधा लगाएंगे, जो कि आप देख सकते हो ये हमने काट लिया है। अब हम इसको लगाते हैं। ये अपने और ये अब अपना पौधा लगने के लिए तैयार हो गया है। इसको अपने गड्ढे में रख दिया है, अब मिट्टी भरेंगे। अब हमने इसको मिट्टी भरकर तैयार कर दिया है। ये हमारा बरगद का पौधा लगकर तैयार हो गया है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, दो बाल्टी भर के। अब इसकी देखरेख समय समय पर करते रहेंगे। ये छोटा भाई प्लास्टिक की कैन को हटा रहा है। इसको हटाने के बाद हम इसको गड्ढे में लगाएंगे। यह आम का पेड़ लगभग एक साल पुराना है। यह अब अपना आम का पौधा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये अपना आम का पौधा लगकर तैयार हो गया और इसमें थोड़ा सा पानी अपन डाल देते हैं। अब हम पक्षियों के लिए, ये तुम्बी है, इसे तुम्बी बोलते हैं, इसके अपन परांडे बनाएंगे। इसके परांडे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको फनल की सहायता से इसको धीरे धीरे करके काट लेंगे। इसको काटने के बाद में इसमें कुछ बीज निकलते हैं। इन बीज को अपन रख लेंगे, क्योंकि ये बरसात के टाइम पे हम इसको वापस लगा देंगे। और इसको साफ करके हम इसको किसी पेड़ पर रख देते हैं, या आप इसे बांध कर भी रख सकते हो। अब हम बुद्ध पूर्णिमा के चांद को देखेंगे। आज भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका निर्वाण भी आज के दिन हुआ। आज का ये बुद्ध पूर्णिमा का चांद आप इस वीडियो क्लिप में अच्छे से देख सकते हो। आप इसमें देख सकते हो अलग अलग प्रकार से हम आपको इसको जूम करके बता रहे हैं। साथ ही आज बदल होने के कारण थोड़ी देर बाद में ये चांद छुप गया। हमने कोशिश की थी कि रात में अलग अलग प्रकार के इसके फ़ोटोज़ व्यू लिए जाएं, लेकिन बदल होने के कारण ये धीरे धीरे बदल के आंचल में छुप गया।
और ये इस तरह से पूरा छिपने के बाद आपको, आप सब भी इस प्रकार से त्योहारों को सेलिब्रेट करें। जय हिंद।